विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ विभिन्न राजनीतिक दल के पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभानु गुप्ता ने भोजपुर दर्शन से बातचीत के क्रम में कहा कि आरा की जनता नया प्रत्याशी चाहते हैं और इसके लिए कप प्लेट को जरूर विजय बनाएंगे। विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इस समय हर प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ हैं आरा विधानसभा क्षेत्र के जाने माने एक निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभानु गुप्ता जी, जिनका नाम से आप परिचित होंगे क्योंकि ये आपके बीच के रहने वाले हैं। चंद्रभानु गुप्ता जो नाम है चंद्रभानु, यानी चंद्रमा के समान शीतल चमकने वाला ये शख्स आपके साथ मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैदान में अपना भाग आजमा है। बहुत से दिग्गज चुनाव मैदान में हैं आज भी। आप अपने आप को चुनाव मैदान में क्यों आए? मतदाता ये जानना चाह रहा है कि आप चुनाव मैदान में क्यों आए, क्योंकि सामाजिक काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन चुनाव मैदान में उतरने के पीछे क्यों सीधा है? सबसे पहले आपके माध्यम से मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका चरण वंदन करता हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि चुनाव में मैंने क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप जानते हैं कि विगत 20 वर्षों से सामाजिक परिवर्तन और मूलभूत मुद्दा को हम उठाते आए हैं। मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। और व्यवस्था परिवर्तन क्या है, और ये बहुत कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और व्यवस्था परिवर्तन ही है कि जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने अनेकों जगह मेरे दिल में एक कलछल होती रहती है, सोचते रहते हैं कि लोगों में परिवर्तन कैसे आए। तो आप यहाँ के देख रहे हैं जर्जर स्थिति, रोड हो, नली हो, गली हो, लेकिन दो बात मेरा सबसे इम्पोर्टेंस है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सदन में जो जीत कर जाते हैं वो सदन में इस बात को क्यों नहीं रखते हैं। आज तक हम इस दो बात ही आपसे बात करेंगे, बात तो बहुत सारा है। एक मैं देखा कि जैसे गांव की तरफ रोड जाता है तो वो रोड कहीं 12 फीट है, कहीं 20 फीट है, कहीं 25 फीट है, लेकिन उसके अलावा भी 5 से 10 फीट चाट होता है। चाट मतलब आप समझते हैं ना। तो फिर पर्यावरण को लेकर बहुत जोर शोर से पौधारोपण होता है, बिजली के लेकर पोल गढ़ता है, लेकिन मेरे दिल में हर समय एक कचट होता है कि रोड के किनारे ही पौधारोपण और बिजली का खंभा क्यों गढ़ा जाता है, चाट के अंतिम छोर पर क्यों नहीं गढ़ा जाता है। क्या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आपको मिला कि सदन में इस बात को उठाए? ऐसा कोई जनप्रतिनिधि? चंद्रभानु जी, आपने विगत कई वर्षों से कई लोगों को सदन में भेजने का काम किया, व्यवसायिक वर्ग का एक नेतृत्व चंद्रभानु गुप्ता करने का प्रयास किया और आपने भेजा, लेकिन आज एक स्वयं चुनाव मैदान में आप अपने को नेता मानकर या समाज सेवी मानकर या फिर क्या? मैं नेता तो हूं नहीं। हम जहाँ पर भी प्रचार में जा रहे हैं, हम किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं। हम सीधे कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप वोट कीजिए। और ये भी हम कह रहे हैं कि आप 15 प्रत्याशी जो है, यहाँ विधानसभा में 15 प्रत्याशी हैं, उनका आकलन कीजिए,
एक महान हस्ती जो है जो लगातार यहाँ 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार अंतिम चुनाव लड़ने आए हैं। जब वो 3 बार चुनाव जीते तो यहाँ का कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ और अंतिम चुनाव जीतेंगे यहाँ के जनता को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो फिर यहाँ पर ताकने भी नहीं। मेरा प्रश्न तो अलग भी था और आपने थोड़ी सी अपने अपने सही रास्ते पर जाते हुए भी थोड़ी सी आरोप प्रत्यारोप की दौड़ चलती रहती है, बात बहुत अच्छा आपने कहा। लेकिन एक बात और आ जाते हैं, 3 तारा का सितारा है बुलंद कुछ लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपसे क्या कहा कि ये आरा की धरती इतिहास लिखने जा रही है और इतिहास बनाएगा, चूंकि ये वीर भूमि है, माँ आयरन देवी की भूमि है, कुंवर सिंह की कवि कैलाश की भूमि है, ये तो इतिहास बनाएगा। आई इस बार जनता ने मन बना लिया है इतिहास बनाने के लिए और ये होकर रहेगा, चूंकि यहाँ पर जो थे जो आने वाले हैं ऐसा कोई भी प्रतिनिधि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो यहाँ का नेतृत्व कर सके। और सारे लोगों ने चंद्रभानु गुप्ता को अपने दिल में बैठा लिया है और ये निर्णय बना लिया है कि हमें कप प्लेट पर मोहर लगाकर और चंद्रभानु गुप्ता को सदन में भेजना है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चंद्रभानु जी को सदन में भेजना है या कहना है चंद्रभानु गुप्ता जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच है, लेकिन कुछ एक लोगों कहना है कि कप प्लेट तो खाली है, उसकी महत्व है ही क्या? उसकी महत्व इतना है कि आप पहले ही बताए हैं कि आप एक चर्चित चेहरा है, लोगों के दिल में बसने वाला चेहरा है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमने 20 वर्षों में किसी से कुछ लिया नहीं, समाज को दिया है। 2004 में बिजली के लिए सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पर मेरे नेतृत्व में हो चुका है। अभी 7 तारीख से जो कोरोना काल में दुकानें लगातार डीएम साहब बंद करवाते जा रहे थे, तो मेरे ही आंदोलन के घोषणा पर 7 तारीख को 6 तारीख को उन्होंने 4 घंटा मीटिंग किया और 7 तारीख को 3 दिन दुकान खोलने का उन्होंने निर्णय लिया। चूँकि मैं अपने लिए कुछ नहीं, समाज हित में, जनता हित में लगातार अपने आप को वहाँ मौजूद करवाता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, यही मेरी भावना है और यही मेरा कर्तव्य भी है। आपने सुना चंद्रभानु गुप्ता जी के भावना और कर्तव्य के बारे में जानकारी दिया, लेकिन एक लोग कहते हैं व्यवसायी का नेता तो मैं हूँ चंद्रभानु का। आप तो जानते हैं व्यवसायी का नेता ही नहीं, मैं यहाँ का जन जन का बेटा हूँ। व्यवसायी का नेता तो लोग हमको मानते हैं क्योंकि मैं बिहार व्यवसायी सहरसा के जिला का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन यहाँ का जन जन ये मानने लगे हैं कि यही बेटा यहाँ का कल्याण करेगा। और एक मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, मैंने घोषणा कर दिया है कि 11 सदस्यीय कमेटी हर पंचायत में और हर वार्ड में बनाएगी और वहाँ से जो ये कमीशन खोरी होती है, आज मेरा परिवार 15-20 हज़ार में चलता है। आप भी जानते हैं कि एक विधायक का 75 हज़ार से ऊपर सैलरी है और बहुत सारा अनाउंस जोड़कर लगभग बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो जब आज मेरा परिवार 15-20 हज़ार में चल सकता है तो उस सैलरी से मेरा परिवार नहीं चल सकता है, फिर भी लोगों को चाहिए 15-20% कमीशन। इसीलिए मैंने घोषणा कर दिया है 11 सदस्यीय कमिटी मेरा बनेगा और उसमें अनएम्प्लॉयड लड़का रहेगा और अनएम्प्लॉयड लड़का जो आज 30-25% रोड पे काम होता है। चलिए आपकी बात, मतलब आपने ये कहा कि व्यवसायियों का नेता आप ही हैं, हमारे मतदाताओं को आपने, हमारे दर्शकों को अपने मतदाताओं को आपने जानकारी दी, तो आप ये मानते हैं कि व्यवसायियों का नेता आप हैं लेकिन अन्य का नेता आप नहीं, आप पर हैं? हमने तो आपसे कहा है कि व्यवसायी के नेता हैं लेकिन यहाँ का जन जन का हम बेटा हैं,
जन जन का बेटा है, जन जन का बेटा है, व्यवसायी का नेता और जन जन का बेटा चंद्रभानु गुप्ता जी है। ये तो आने वाला वक्त 28 अक्टूबर बताएगा, 10 नवंबर बताएगा कि आरा का ताज कौन पहन रहा है, लेकिन जन जन का बेटा और व्यवसायियों का नेता, जबकि कई बार व्यवसायियों के साथ कई लोगों ने बैठक किया, उसकी निर्णय क्या होगा ये मतदाता भाग्य विधाता है। लेकिन फिलहाल आरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं की ओर से चंद्रभानु जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आपने गोलकु दर्शन को सफल किया। जी धन्यवाद। और पुनः मैं आरा विधानसभा के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि 15 प्रत्याशी में आप उनको चयन करें कि आपका बेटा कौन हो सकता है।